राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती पुत्र रोहित कुमार आज अपनी दक्षिणा की नमन को अदा करने के लिए काशी के बाजार में तीनों प्राणी नीलाम हो जाते हैं। ऐसे महादानी राजा हरिश्चंद्र की बात को आप सुनने जा रहे हैं। Yeah.
विशेष। राजा हरिश्चंद को पहले अंदर खरीद लेते हैं, उधर रानी तारावती और पुत्र रोहित कुमार के ग्राम है, इधर वाल्मीकि जी के प्रभाव से प्रभावित करके रोहित कुमार को दर्शन कर लेते हैं। तत्काल उनकी मृत्यु हो जाती है। रानी बिलाप करते हुए रोहित कुमार के पास जाती है और कहती है कि हिलाई ये कैसी घड़ी है जो जहर बन के और घटा ये गमोती जो जो जिते हाथों को उठाकर मर भटकी और ले जाने लगती है। देखिए क्या होता है। पुत्र को अपने गोद में उठाकर मर भटकी और ले जाती है। देखिए क्या होता है। चले भी उठाते अपने ललन के लिए मैया चले भी उठाते अपने ललन के लिए Oh,
हमारे लिए आज की ओर से 1 करोड़ रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ। हमारे हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद है। माता अपने पुत्र के सिर को घर पर ले जाती है। राजा हरिश्चंद्र से आमना सामना हो जाता है। वहां पर हेलो वहाँ तत्काल ही भगवान प्रकट होते हैं, वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र सिंह कहने लगते हैं कि मांगो क्या वरदान मांगते हो। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती कहते हैं कि प्रभु जैसे आपने हमारी परीक्षा ली वैसे किसी की भी परीक्षा मत लेना, वरना भक्तों पर से भगवान का विश्वास उठ जाएगा। बोल भक्तर भगवान की। श्री पूजा मंडल रढ़ाल द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति और आपकी इस प्रस्तुति पर पसंद होकर आदरणीय भैया हमारे भाई साहब वीरेंद्र कुमार जी गौर पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गुनोरा उनकी ओर से 100 रुपए का पारितोषिक प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूजा मंडल रढ़ाल ने बहुत सुंदर कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा हमारे सामने प्रस्तुत की। थोड़ा कड़ू रस में उन्होंने कथा प्रस्तुत की पर रस का थोड़ा अभाव दिखा कथा में। और अब हमारे बीच में श्री बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना श्री बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना हमारे बीच में अपने भजनों के माध्यम से प्रस्तुति देने जा रहे हैं और इसके तत्काल पश्चात तैयार रहे श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोडावानी जिला बैतूल और उसके बाद तत्काल तैयार रहे श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। इस प्रकार से अपना क्रम निश्चित करते हुए समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि प्रतियोगिता अपने चतुर्थ चरण में चल रही है और अपने फाइनल दौर की ओर जा रही है। जितना हम विलंब करेंगे हम और आप उतने ही इस प्रतियोगिता में उलझे रहेंगे। समय का अभाव समय के अनुसार समय का मैनेजमेंट करते हुए अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दें। अपना और मेरा तो निवेदन है भैया कि सभी मंडल अपने साज बाज आवाज साथ तैयार हो जाएं क्योंकि 15 मिनट का समय बहुत कम होता है। सभी